साथियों, आज मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, एक बार भी दीदी ने अपनी रैलियों में कभी भी ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए? ये दीदी ने कभी कहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, दीदी ने कहा है? एक बार भी कहा है? क्या दीदी ने एक बार भी कहा है कि सभी मत संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? क्या ऐसा कभी उन्होंने कहा है? कहा है क्या? बोला है कभी? क्या दीदी ने एक बार भी ऐसी अपील की है कि शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए? ये कहा है दीदी ने? आप पूरी ताकत से बताइए, कहा है क्या दीदी ने कभी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है? राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के नेता के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के उम्मीदवार के नाते जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन कभी दीदी ने बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान करो ये शब्द नहीं बोला है? क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, मतदान में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसा दीदी ने बोला क्या कभी? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये भी नहीं बोलती है? बंगाल की जनता समझ सकती है कि दीदी के इरादे क्या है। दीदी जानती है कि इतना ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मतदान के खिलाफ है। दीदी जानती है कि चुनाव में उनके गुंडे ही हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। आखिर दीदी अपने ही लोगों पर जो ये सब बवाल करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी और इसलिए कैसे बोलेगी? ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है।